दोस्तों ये एम्ब्रॉयडरी मशीन है और यहाँ पे देखिए कैसे फ्रेम चालू किया जाता है। सबसे पहले मशीन को चालू करने से पहले ये फ्रेम सेटिंग करना पड़ता है। ये देखिए इस मशीन का ये ऑपरेटर है और ये कैसे फ्रेम लगा रहे हैं। देखिए कितना हैवी मशीन है। सबसे पहले ये देखिए ये प्लास्टिक का आता है क्लिप, इसको बोला जाता है क्लिप। इसी को ऐसे रख के दबा दिया जाता है तो वो हो जाता है। अब देखिए ये यहाँ पे सबसे बड़ा होता है कि इसमें जो पॉइंट होता है उसको मिलाना। अभी देखिए कैसे पॉइंट इसका मिला रहे हैं। देख सकते हैं ये देखिए ये लाइन एकदम सीधा सीधा है। अब जो मशीन चालू होगा यहाँ से चालू होगा और ये देखिए अब एक साइड का लग गया और दूसरे साइड का ये लगने जा रहा है क्लिप। इसको चारों तरफ से खींच के बैठाना पड़ता है ताकि ढीला ना हो। ढीला रहेगा तो डिजाइन बढ़िया नहीं बनेगा, सिकुड़ जाएगा। मशीन भी दोस्त बहुत हैवी है, बड़ा मशीन है। अब इसको कंप्यूटर से ये फ्रेम को लेके जाया जाएगा पीछे। ये देखिए ये है इसका कंप्यूटर। चलिए मशीन के पीछे देखते हैं कैसे फ्रेम लगाते हैं भाई खींच कर। अब दोस्तों देखिए जो भी मेहनत है यहीं पे है, इसको अच्छे से खींच कर बैठाना पड़ता है। देखिए ये कितना मेहनत का काम है और सूरत में कितना मेहनत करने के बाद आदमी को पैसा मिलता है। अब ये फ्रेम एकदम रेडी हो गया है चलने के लिए। अब देखिए कहाँ से ये पॉइंट मिला के चालू किया जाता है। मशीन अब यहाँ से चालू होगा। तो ये आपने वीडियो देखा कि एम्ब्रॉयडरी मशीन में फ्रेम कैसे सेट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।